प्यारी साथ संगत जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी इस जग में जानन करम बसे मन, गुरबाणी इस कलयुगी पसारे जानन मुनारा है। कर्मा करके हृदय विच वसदी है, जिस प्रथाएं जपजी साहिब दे विच गुरु नानक पातशाह ने स्पष्ट कर दिता है। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कर लै जाए। दुखा दरिद्रा तो छुटकारा मुक्ति पानी है, ता इस पावन बाणी नूं इह तुरकी बाणी नूं पढ़ो सुनो विचारो ते गुणो, इसे मुताबिक जीवन बढ़ाओ। क्योंकि गुरबाणी का ही पावन प्रमाण है, किनका एक जिस देव सावे ताकि महिमा गणे ना आवे। गुरु पातशाह यह भी फरमाते हैं, मन विच रतन जवाहर माणक जे गुर की सिख सुनी। जे गुरु की एक सिक्ख्या ते भी आपां अमल कर लिया तां इह जीवन सफल हो जाएगा। अज आप मनी साहब जी की पावन बाणी की 18वीं अष्टपदी की 7वीं पौड़ी के विचार करने का निमाना जी जतन करना है। गुरु पातशाह रहमत करन पावन बाणी साढ़े हिरदे घरां विच वसे। गुरु पातशाह फरमान करते इस पौड़ी के अंदर, तब तुम्हारी ठाठ बढ़ताई अनंत प्रयाग नाचे पाई, जन्म मरण के बटे अंदेसे साधु के सुनन उपदेसे, पौ चुका निर्भो होए बसे सकल व्याध मंदे के नसे, जिसका साथ इनकी पातारी साथ संजम नाम उरारी, थित पाई चुके ब्रह्म गमन सुन नानक हर घर जस श्रवण, थित पाई चुके ब्रह्म गमन सुन नानक हर घर जस श्रवण। गुरु पातशाह प्रमाण करते ने, तपत माहे ठाड वरताई, इस तपते हुए हृदय विच ठंड वरताउन वाला कौन है? वो बार ब्रह्म परमेश्वर का नाम है, उसका सिमरन। तपत माहे ठाठ वरताई आनंद पया दुख नाठे पाई, ते फिर की होया? आनंद ही आनंद हो गया, ते सारे दुख किलबिख जिहड़े ने ओह दूर हो गए, नष्ट हो गए। यानी दुख दरिद्र दा डेरा जिहड़ा सी ना ओह टै गया, टै टेरी हो गया। हिरदे घर विच आनंद ते ओह वी अठे पै, ते सांस में जो शरीर तल ते भी जेकर कोई दुख तकलीफ आई ता मन उस वाहिगुरु के चरणा में जुड़िया होया, ते मन दी तपिश उसकी तपिश जिहड़ी है ना ओ अंदर तक पहुंची है। ते सांस में जो हर हाल दे विच उस वाहिगुरु दी रजा दे विच राजी रहना एक जुगत गुरु कृपा सिखिया। नानक हुक्मे जे बुझे तां हुक्मे कहे ना कोई, उसने हुक्म नूं बुझ लिया फिर अहंकार दी गल नहीं करदा, खुशियां आ जांदियां खेड़े आ जांदे ने। कभी सच जी उस रब नूं बुलांदा नहीं, आपे तों बाहर नहीं हुंदा, ते दुख आ जांदा है तां फिर सच जी उसदे नाल मिले शिवे गुजारियां भी नहीं करदा। हिरदे घर विच हमेशा हलीमी विनम्रता बनी रहती है, ते उस वाहिगुरु दा शुक्र शुक्र हुंदा रहिंदा है। गुरु पातशाह प्रमाण करदे ने, तपत माहे ठाठ वरताई, तपदे हुए हिरदे विच उस वाहिगुरु ने ठंड वरता दित्ती, आनंद पया दुख नाठे पाई, आनंद ही आनंद हो गया, ते सारे दुख जिहड़े ने ओह दूर हो गए, नठ गए यानी बच गए, दूर हो गए। जन्म मरण के मिटे आंदे सी, जन्म मरण दा जिहड़ा भय सी ना, शंका सी, भय सी, सहम सी, ओह सारा मिट गया, दूर हो गया। साधु के पूर्ण उपदेशे सात जना दे उपदेश सदके ऐसी अवस्था बन गई, ऐसी सुंदर अवस्था बन गई, उच्ची अवस्था बन गई, उच्ची सुच्ची अवस्था बन गई कि समझ आ गई जीवन विच केवल पदार्थ नाल सुख नहीं मिल सकता, वह सुख क्षणिक है, ते जिहड़ा असल आनंद है पदार्थ विच सुख मिल सकता है वह भी चंद लम्हियां दे नहीं, पर उस परमात्मा दे नाम विच आनंद ही आनंद है जिहड़ा हर हाल विच हर परिस्थिति विच बनिया रहता है। गुरु पातशाह प्रमाण करते ने, साधु के पूर्ण उपदेश से पौ चुका निर्भो होए बसे, इस दे नाल की होया? उस निर्भय स्वरूप परमात्मा का नाम सिमरन सदके ये हिरदा निर्भय स्वरूप हो गया, क्योंकि इसनों हुण कोई डर सहम चिंता फिक्र है ही नहीं है। ते दुनिया का भय आपां बार बार विचार करते हाँ, तो सोच वार दसते हैं कि भी दुनिया का डर सानू कायर बनाता है, तो उस वाहिगुरु के भय विच जिहड़े रहिंदे ने ओह भगती करते हैं, उसके नाल जुड़ते हैं, तो उस वर्गे ही हो जाते हैं, निर्भय स्वरूप हो जाते हैं, फिर वो लोकाचारा विच नहीं फसते, कर्म कांडा विच नहीं फसते। कर्म कांडा की तुलना गुरु नानक पातशाह ने धन धन गुरु पातशाह ने बंजर भूमि नाल कीती है, उस विच बीजे गए सारे बीज भी व्यर्थ चले जाते हैं, उत्थे कीती सारी मेहनत मशक्कत भी व्यर्थ ते अजाई।
चली जाती है। इसलिए गुरु पातशाह समझाना करते हैं, भव चुका निर्मोह बस है, वो निर्भय होके बसता है, सगल व्याध मंदे कह दसे। सारी तरह की व्याधियां आदियां व्याधियां जो अरदास विच भी रोज सुनते हैं, उस सारी तरह की बीमारियां जड़ियां ने ना उसको मुक्ति मिल जाती है। हर तरह का पैर, हर तरह की बीमारी, उस सारियां तो होमे भी बहुत बड़ी बीमारी है सत्संग जी, वो सूक्ष्म रूप के अस्थूल रूप के उसनों चिबड़ी ही रहती है। तो कदें भी बीमार बंदा सुखी किवें अनुभव कर सकता है, सोचने वाली गल है ना। इसलिए गुरबाणी आखती है, जो जो दिस है सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। ते सार संग जो, क्योंकि जो भी दिखाई दृश्यमान जगत विच दिख रहा है उसको कोई ना कोई दुख जड़ा है चिबड़िया होया है। कुछ दुख दिस जाते हैं, कोई दिखते नहीं, कुछ दुख दिसते हैं। जिवें ना मानसिक रोगी जड़ा है ना, वो शारीरिक रोगी तो ही भयावह स्थिति विच है, उसकी स्थिति जड़ी है वो ज्यादा दुखदायी है, ज्यादा पीड़ाकारक है, ज्यादा दुख देने वाली है, क्योंकि वो दिसती नहीं पर उसका घाव बड़ा गहरा है। इसलिए ये आदियां व्याधियां मानसिक शारीरिक हर तरह के रोगों तो मुक्ति उस वाहिगुरु के नाम सिद्के ही मुमकिन हो सकती है। सगल व्याध मंदे कह दसे, जिसका साथ इन कृपा दारी, जिसका साथ इन कृपा दारी, क्योंकि जेड़ा उसका बढ़ गया ना उसे ने ही कृपा की। जी यानी ये जी जिंद जिंद जिसती सी उस मालिक ने उसते कृपा की, जिसने शरीर बनाया, जिसने उस विच जिंद प्राण पाए, उस वाहिगुरु ने ही इसका रक्षा कवच बनाया बाणी के रूप में, परमात्मा के नाम के रूप में। गुरु साहब जी आप बाणी को मनते हैं, इसलिए साढ़े लिए यह सुरक्षा कवच है। तो जेडे जिस नाम का भी त्यागते हैं, कोई किस कोई मंत्र का उच्चारण करता है, कोई किसी तरह के नाल उसकी उपासना करता है, सब कुछ नो सब का मुबारक है। जिसकी श्रद्धा जिस रूप में बनती है उसनों उस परमात्मा नो उसे रूप में त्याग ले तो वो परमात्मा के साड़ी केवल भावना वेखता है। गोविंद भाव भगत का मुखा वो साड़ी भावना वेखता है, वो ये नहीं वेखता भी कि मंत्रा की माला हो रही है, किस हिरदा किन्ना जुड़िया हुआ है, बस वो वेखता है साड़ी नेक नियति का किन्ना हो रहा है, वो वेखता है साड़ी भावना कितनी सुची पवित्र है, वो वेखता है। ते सासंग जो होर उसने साडा दुनियावी कोई भी, क्योंकि सारा कुछ उसका बख्शा होया, उसको नहीं वेखता। गुरु पातशाह कहते वो गुरबाणी आखदी वे वो ते परमात्मा ने दित्ती हुई वस्तुआं ने कदों वापस लै लवे, पर उसने भावना जिहड़ी बना दित्ती ना चंगी जी भावना गुण के पसंद के बन गई, वह साढ़े रेंदे जीवन तक जो है अंतिम स्वास्थ्य रहेगी। नेक नियत वाला बंदा किसी का बुरा चित भी नहीं सकता, तो उइयो कुछ उसके घर से प्रमाण है, उसके घर में प्रमाण है। गुरु पातशाह प्रमाण करते हैं, सगल व्याध मंदे कह दसे, जिसका साथ इन कृपा दारी, जिसकी जिंद जान सी, जिसने बनाया सी, उसने ही कृपा दारी हुई है। साथ संग जब नाम बुराई, इसलिए संगत में आके साधुओं की संगत में जाके सत्संगत में जाके उस मुरारी मुरारी भी उस परमात्मा का नाम है, उस वाहेगुरु को जपते रहो, उसका स्मरण करते रहो, तो उसके नाल ये सारे विकारों को मुक्ति मुमकिन है। हाँ साथ संग जब नाम मुरारी, कित पाई चूके भ्रम गवन, उसके नाल की होंगे हर तरह के जेड़े भरम ने भुलेखे ने आवागमन के चक्कर ने वो सारे मिट जाते हैं। आदियां व्याधियां इस तो मुक्ति मिलती मिलती है, दुख दरिद्रा तो संतापा तो मुक्ति मिलती है, चिंतावां तो बेफिक्र होकर फिर बंदा विचरण करता है। जदों जदों वो बंदा चिंतन करता है उदों उदों उसके नेड़े चिंता पटक नहीं सकती। कहते हैं अगर खुदा नहीं तो खुदा का जिक्र क्यों, अगर खुदा नहीं तो खुदा का जिक्र क्यों, अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों, जे रब है तो फिर फिक्र करने की कड़ी लोड़ है। उसने जिसने जिया जंतु पाए ने उइयो रिज़क पकड़ा है, उइयो सब नु जिसने कहते ना जिसने चुंझ दिती है ना वो चोगा भी देगा। साड़ा विश्वास पूरा होना चाहिए, साड़ा भरोसा मुकम्मल होना चाहिए। वेखते हैं ना सत्संग जी पंछियां इन्हां दे कितने कितने कदे उन्होंने दरवेशां दे पल्ले वेखिया कदे वो बन के चलते हो, पर उन्होंने ही पंछियां दरवेशां रिज़क मिल रहा है ना। इसे तो हरेक जीव उसके हाथ असं आप पकड़ना चाहते हैं तो सू बड़ी मुश्किल होंगे ने। गुरु पातशाह प्रमाण कर
ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ, ਉਸਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਰਸੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਬੀਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਜਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਾਸਕੇ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੰਦ ਸ਼ਣ ਪਲ ਜੋ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਗ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਕਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵਿਕਾਰ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਸਕ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਬਬ ਵਸੀਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੇਤੂ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੇ ਬਾਣੀ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕਰਦੇ, ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇ ਬਾਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਮਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਣੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਹਦੀਪੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਸਦਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਮਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਕੇ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।